देखिए विजय चौधरी का ये बयान बेहद अहम है क्योंकि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये है कि कल कांग्रेस के बड़े नेता नीतीश कुमार से ऑनलाइन जूम ऐप से बात करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बातचीत में शामिल होंगे और यानी कुल मिलाकर के जो चर्चा चल रही है उस पर सहमति वाला प्लेटफॉर्म बनने की तैयारी है, भले ये प्लेटफॉर्म जूम ऐप के जरिए ही हो। चलिए प्रकाश कुमार का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी इस वक्त पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। प्रकाश जरा बताएं डिटेल में कि किस तरीके से जूम ऐप पर बातचीत को लेकर के अंदर खाने से खबर आ रही है, सहमति ना सहमति को लेकर के क्या इनपुट है? देखिए खबर सिर्फ इतना ही नहीं है कि ये लोग ऑनलाइन ऐप पर बात करने वाले हैं, बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार अंतिम फैसला लेंगे। ये विजय चौधरी कौन है? नीतीश कुमार के खासम खास, बेहद करीबी, हर राज जानने वाले हैं, जिन्होंने ये मना नहीं किया कि ऐसी कोई बात नहीं हो रही है, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। अलबत्ता उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तो पार्टी के नेता मिलजुल कर बात करेंगे। तो क्या नीतीश कुमार इस प्रस्ताव, जो देर से प्रस्ताव आया है, उसे ठुकरा सकते हैं? ये आगे बढ़ के बात हो रही है। क्या नीतीश कुमार को घेरने की तैयारी है? क्या इंडिया गठबंधन के नेताओं को ये लगने लगा कि नीतीश कुमार नाराज हैं, कहीं इसकी नाराजगी का असर इंडिया गठबंधन पर तो नहीं होगा? तो ये सब बात का जवाब सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स के पास है, वो है नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं, ये सबसे ज्यादा बिल्कुल प्रकाश है। देखिए ये बात तो समझ में आती है कि किस तरीके से मनाने की ही कोशिश है, या मान जाएंगे या नहीं, ये चीजें सामने आएंगी। लेकिन इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर है, दर्शकों को बताते चले। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये मिल रही है कि नीतीश को संयोजक बनाए जाने के प्रस्ताव पर इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेताओं ने सहमति दे दी है, जिसमें अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे नीतीश को संयोजक बनाए जाने के पक्ष में है। और सूत्रों की माने तो लेफ्ट और दक्षिण के नेताओं को भी नीतीश के संयोजक बनाए जाने पर कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये सब कुछ तब हो रहा है जब नाराजगी की बात सामने आती है। प्रकाश, जैसा कि आपने कहा कि जो गेंद है वो खुद नीतीश के पाले में है, लेकिन अंदर खाने से आ रही ये खबर ये है कि संयोजक बनाए जाने की ये जो पुष्टि, या यूं कहें मानने वालों की लिस्ट सामने आई है, क्या ये नाराजगी की वजह से आई है या एक जेन्युइन फेयर ग्राउंड पर वो ऐसा महसूस करते हैं इसीलिए आई है? देखिए एक और जवाब जो आपने सुना विजय चौधरी का, कि सीट शेयरिंग पहले हो जाता तो ज्यादा अच्छा होता, देर से होना अच्छा नहीं होता है। आप समझिए इस लाइन को भी, हर लाइन में एक बड़ी खबर है, एक राज छिपा है जिसे डिकोड करने की जरूरत है। तो ये साफ है कि नीतीश कुमार को के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट क्या इंडिया गठबंधन के तमाम दलों से ली जा रही है कि उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? इसमें ममता बनर्जी और केजरीवाल कहाँ हैं? ये तमाम ऐसे अभी भी सवाल हैं जिसका जवाब आना बाकी है। जी बिल्कुल प्रकाश, और अब देखना ये होगा कि आखिरकार ये नाराजगी दूर हो जाती है या फिर सीट शेयरिंग को लेकर के नीतीश कुमार जो बातें पहले कह रहे थे वो अब जब ये बड़ी खबर सामने आई है, आखिरकार किन किन नेताओं का समर्थन उन्हें हासिल हो सकता है? जो खबर चल रही है वो जरा आप स्क्रीन पर देखिए, संयोजक नीतीश को बनाया जाए, इसके साथ कौन है कौन नहीं है ये भी जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि ये देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे खुद जो इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, होस्ट की भूमिका में है, उनका नाम है। शरद पवार सामने आ रहे हैं, वो भी हामी भरते नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को भी कोई आपत्ति नहीं है, ये भी खबर मिल रही है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे का नाम सामने आ रहा है, उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं है। तेजस्वी यादव को कोई आपत्ति नहीं है। अगर देखा जाए ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल का नाम या चेहरा आपको इस लिस्ट में नहीं दिखाई दे रहा है, बाकी ये समर्थन देने वाले लोगों की सूची पर्दे के पीछे से ही सही सामने आ रही है। बाकी जो चीजें क्लियर है वो तो कल जब बैठक होगी, जब ऑनलाइन ऐप के जरिए जिस मीटिंग को बुलाया गया है वो सामने आएगी। लेकिन हाँ, नीतीश को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाए जाने की चर्चा पर आरजेडी ने खुशी जरूर जताई है। चल रही है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाएगा इंडिया लाइन, खुशी की बात है। संयोजक बनाया जाए तो बहुत खुशी की बात है। ये इंडिया गठबंधन के जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेगा, इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं। लेकिन हम तो चाहेंगे कि बिहार को हर पद मिले, बिहार को ही। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को संयोजक बना देना चाहिए। नहीं, हम लगता नहीं, बनाना चाहिए और हमको लगता है बनाएंगे निश्चित रूप से।
तो देखिए किस तरीके से आरजेडी की तरफ से ये कहा गया है कि बनाया जाना चाहिए और खुशी की बात है, बिहार के खाते में बिहार के नाम से जो भी जुड़े वो अच्छी बात है। गठबंधन का संयोजक बनाए जाने की चर्चा पर आरजेडी की ओर से भी ये प्रतिक्रिया सामने आई है। तो देखिए तमाम तरीके की ये खबरें हैं, उन पर हमारी नजर बनी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।